1500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। 9,75,00,000 किसानों के खाते में भेजे गए हैं पैसे। तो आज किसानों के लिहाज से भी अहम दिन है। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि किश्त जारी कर दी है। मैं किसान हूँ, इतनी जमीन है, सब हम करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त, यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दिसंबर महीने की जो किस्त है, उस किस्त का यदि आप इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार खत्म होता है। जी हाँ दोस्तों, अगली किस्त जारी करने के लिए सरकार की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। करोड़ों किसानों के बैंक खाते में अगली किस्त जमा करने के लिए औपचारिकताएं हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यदि आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त यानी कि 2021 की तीसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं, या फिर आपकी कोई भी किस्त हो सकती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए 10वीं किस्त को लेकर के अगले सप्ताह किसानों के बैंक अकाउंट में जमा किए जाएंगे 2,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, कुछ ही औपचारिकताएं बची हैं। क्या क्या औपचारिकताएं बची हैं दोस्तों, देख सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से 10वीं किस्त पहले ही 22,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर चुकी है। मतलब सीधे आप देख सकते हैं 22,000 करोड़ रुपये, यानी कि 11 करोड़ किसानों को जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का सीधा लाभ मिलने वाला है। अगली किस्त जारी करने के लिए सरकार ने सारी तैयारी कर ली है। करोड़ों किसानों के बैंक खाते में अगली किस्त का पैसा जमा होने में बस अब कुछ औपचारिकताएं बची हुई हैं। पहले सिर्फ छोटे किसानों को इसका लाभ मिलता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है। पहले इसका लाभ सिर्फ छोटे किसानों को दिया जाता था, लेकिन अब जोत की सीमा हटा दी गई है और 11 करोड़ से अधिक किसान इस योजना में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 43,000 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है अब तक सरकार। DBT के तहत किसानों को हर वित्तीय वर्ष में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, यानी कि दो वित्तीय किस्तों में जो है सरकार 43,000 करोड़ रुपये किसानों तक जमा कर चुकी है। यह अमाउंट 2,000 रुपये की 3 बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत 43,000 करोड़ रुपये खर्च अब तक जो है 2 किस्तों में सरकार किसानों तक पहुंचा चुकी है। कई किसानों को मिल सकते हैं 4,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा फंडेड है। केंद्र सरकार इस योजना के तहत करीब 1.57 लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसमें करीब 1,37,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इस बार सरकार 500 से 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड देना पड़ेगा। इसका कारण यह है कि पीएम किसान योजना में रजिस्टर्ड लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके अलावा कुछ 9वीं किस्त भी कुछ किसानों की भुगतान नहीं हो पाया था, ऐसे में उन्हें दिसंबर महीने में 2 किस्तें एक साथ मिल सकती हैं। तो अब देख सकते हैं ये बड़ी अपडेट पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के। यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए।